दोस्तों, आज के समय में हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत तरक्की कर ली है। आज मनुष्य वह सब करने में सक्षम है जो वह पहले नहीं कर सकता था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपसे ऐसी प्राचीन और आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी हुई ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिनके सवालों का जवाब आज के वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले दुनिया भर की सबसे रहस्यमयी घटनाओं को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। क्लार्कसडोर्प स्फीयर। साउथ अफ्रीका में इस प्रकार के धातु के करीब 200 गोले पाए गए थे। इन पर रिसर्च करने से पता चला कि यह गोले करीब 300 साल पुरानी है। लेकिन इनमें सबसे अजीब बात यह थी कि यह सभी गोले समान आकार और वजन के थे। इन गोलों पर बनी हुई पैरेलल लाइंस भी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। इनके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि यह गोले उल्का के साथ धरती पर आए होंगे, लेकिन रिसर्च में इन गोलों से निकल धातु पाया गया है जो कि उल्काओं में मौजूद नहीं होता। वैज्ञानिकों की रिसर्च के दौरान जब इन गोलों को काटा गया तो इनमें कुछ स्पर्म जैसी अजीब चीज पाई गई थी। इन पत्थरों के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह पत्थर कहां से आए और ये किस प्रयोग में लाए जाते होंगे। कोसो आर्टिफैक्ट। सन 1961 में कैलिफोर्निया के पर्वतीय श्रृंखला में खुदाई के दौरान यह पत्थर के रूप में पाया गया था, लेकिन जब इसे काटा गया तो सभी हैरान हो गए थे। कहा जाता है कि जब इसे काटा गया तो इसके अंदर पोर्सिलिन का एक सिलेंडर पाया गया था और इसके बीच में एक मेटल बोर्ड लगा हुआ था। माना जाता है कि जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पाया कि यह पत्थर 5 लाख साल पुराने थे। यह पत्थर बाहर से कोपल मैटर से कवर थे और इसके ऊपर के भाग पर एक स्प्रिंग लगा हुआ था। यह देखने पर आज के स्पार्क प्लग की तरह लगता था, लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि 5 लाख साल पहले ऐसा कौन बना सकता है और इसका उपयोग उस समय क्या रहा होगा। स्कारा बर्ड। पैरों से 20 मील दूर सकारा में सन 1891 में वैज्ञानिकों ने एक लकड़ी से बनी इस चीज को खोजा था। पहली बार देखने पर इसका आकार एक पक्षी जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब 80 साल बाद प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर रिसर्च किया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उस रिसर्च में पता चला कि इस चीज का सामने वाला हिस्सा एक पक्षी के मुंह जैसा था, लेकिन इसकी बाकी की बॉडी एरोडायनामिकली डिजाइन की गई थी। यह ठीक वैसा ही था जैसा कि एक प्लेन होता है। इस चीज के पंख बिल्कुल एक विमान की तरह थे, बीच में बड़े और मोटे और आखिर में पतले और नीचे झुके हुए। इसके पिछले हिस्से में रडल्स बना हुआ था जैसा कि एक प्लेन में होता है। अब एक सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के किसी भी पक्षी के पीछे रडल्स जैसा कुछ नहीं होता, तो जाहिर है ये किसी पक्षी का मॉडल नहीं था। तो आखिर यह था क्या? इसका जवाब कोई नहीं जानता। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट। रहस्यमय ग्रेट पिरामिड ऑफ प्लेन के एलियंस के रहस्यों को दर्शाता है। इस पिरामिड में प्लक नाम के एक राजा का मकबरा है। अपने समय में प्लक नाम का यह राजा लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध था, इसलिए उनके मरने के बाद उनका एक पिरामिड बनाया गया था। इस जगह की खास बात यह है कि इस मकबरे के पत्थर पर तराशा गया राजा का चित्र बहुत ही रहस्यमयी है। इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति स्पेस रॉकेट में बैठा हो। इस चित्र में वह सब चीजें मौजूद हैं जो कि एक स्पेस रॉकेट में होती है। वर्तमान समय में भी वैज्ञानिक इस चित्र के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।